हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आड़े आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने मेटल सेक्टर से एक ऐसी कंपनी लाया हूँ जो अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए और आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न देने वाली। और ये कंपनी अभी पिछले 3-4 सालों से कंसिस्टेंटली आपको बोनस शेयर दे रही है। और ये कंपनी का थोड़ा पहले प्रोफाइल देखते हैं और फिर बाद में इसके पैरामीटर देखेंगे और चार्ट की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट में आप देख सकते हो, कंपनी का जो मेन काम है वो कॉपर के वायर बनाना। और ये कहाँ का कौन से सेक्टर में यूज़ होता है? केबल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, सोलर में, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, सब जगह यूज़ होता है। और अगर इसकी कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये ब्लैक कॉपर वायर बनाती है, कॉपर के रॉड बनाती है। जनरली कॉपर के मेटल्स और कॉपर का जो वायर है इस पर डील करती कंपनी। तो ये कंपनी का ये प्रोडक्ट की बात हो गई। अब अगर कंपनी का नाम बताता हूँ, ये कंपनी का नाम जो है वो राजनंदिनी मेटल्स एंड लिमिटेड है। ये NSE में लिस्टेड कंपनी है। और कंपनी अभी देखेंगे पिछले 1 महीने में जब से इसका जो स्प्लिट हुआ है, अभी पिछले 4-5 महीने पहले अक्टूबर में, तब से कंपनी थोड़ी डाउन है। परंतु मेटल सेक्टर एक ऐसा है, मेटल और शुगर सेक्टर ऐसे है, जब डाउन चलेंगे तो बहुत डाउन जाएगा। जब डाउन है तो हमको एकुमुलेट करना चाहिए, और जब भागेगा तब ऐसे भागते कि सभी सेक्टर को पीछे छोड़ देते। और ये दोनों सेक्टर में आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो देख सकते हैं 5 दिन में 10% लगभग निगेटिव रिटर्न है, 1 महीने 32% रिटर्न है। मैंने आपको बताया कि मेटल सेक्टर का बहुत ज़्यादा डाउन जाता है और जब भागेगा तो बहुत ज़्यादा भागता है। और 6 महीने में देखा जाए तो 40% की निगेटिव रिटर्न है। अगर हम 1 साल की बात करें, थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाए, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, 1 साल में देखिए कहाँ से 12 रुपये का शेयर था और ये कितने 32 रुपये तक है, लगभग डबल का प्रॉफिट दे दिया। और 5 साल में देखा जाए तो कितने, देखो कितने शानदार रिजल्ट है, 600% की रिटर्न है, यानी लगभग 6 गुना पैसे कर दी छोटी कंपनी। परंतु पैरामीटर देख लेते हैं जल्दी से स्क्रीनर में। देखिए 400 लगभग 500 करोड़ की बहुत ही माइक्रो कैप स्टॉक है। इंडस्ट्री से अपना PE कम है तो बहुत अच्छी बात है। 2541 का देख ले कितना शानदार ROE, ये बताता है, फाइनेंशियल पैरामीटर दिखाता है। तो ये देखिए 41 का बहुत शानदार है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है कंपनी का 25 है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी में एक बात है कि इसका जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो 1 के ज़्यादा है, यानी कर्जा कंपनी का काफ़ी ज़्यादा 51 और जो रिजर्व 7 करोड़, क्योंकि एक माइक्रो के कंपनी है। और हमको कंसिडर करना चाहिए माइक्रो के कंपनी में हमेशा बहुत सारी कंपनियों में कर्जा ज़्यादा ही रहता है, जो लोन डेबिट रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको अपने प्लान को एक्सपांड करना पड़ता है। तो एक्सपांड कब करेंगे? जब कर्जा लेंगे, लोन लिया जाएगा बैंकों से, तभी तो वो एक्सपांड कर पाएगा। इसलिए ये इसमें ये डेबिट टू इक्विटी रेशियो कंसिडर किया जा सकता है। अब कंपनी का जो दूसरा पैरामीटर अगर हम बात करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे अच्छे है। अगर आप देखो पहले जो 1 करोड़ से कम था, फिर धीरे धीरे 2 करोड़ के करीब हो गया, अब 2 करोड़ से 3 और 3.5 करोड़ हो गया। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। EPS देखो, अर्निंग पर शेयर EPS भी बढ़ रहा है, तो ये भी दिखाता है कि कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रही है। और अगर मैं ईयरली बात करूँ, तो अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं, 5 से 6 साल, तो देखिए पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 5, फिर 10 और 13, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है। कंपनी छोटी है परंतु इसका प्रॉफिट अभी भी बढ़ रहा है। और अगर कंपनी में हम इसके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, 1 साल में 44% का रिटर्न दिए। बहुत सारे स्टॉक सिर्फ 25% कहते हैं, परंतु ये कंपनी 44% का रिटर्न दी, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट देख रही है 79%, सेल्स कंपाउंडेड जो सेल्स हो रहा है, कंपाउंडेड बोल रहा हूँ मैं, वो 22%, बहुत ही अच्छे इसके रिटर्न है। पैरामीटर में तो काफ़ी कंपनी तगड़ी दिखती है। अब अगर हम देखते हैं कि लोगों का क्या रुझान है इस शेयर के प्रति, तो NSE की वेबसाइट में आ गया हूँ। NSE की वेबसाइट में अगर आज का देखते हैं तो देखिए 7,83,000 क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, डिलीवरेबल 3,45,000, और 44% क्वांटिटी डिलीवरेबल है। कोई भी शेयर में अगर 30 से 40% होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, परंतु स्मॉल कैप में 40 ये लगभग 45% के बराबर, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, आप देख सकते हैं 74% जो शेयर है ये प्रमोटर्स के पास, कंपनी के मैनेजमेंट के 74% के शेयर है, पब्लिक के पास 26% है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास तगड़ी होल्डिंग है मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट डिसीजन लेने में सक्षम है और आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। तो कंपनी का दिखाता है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, कंपनी 15 साल से काम कर रही है, कॉपर वायर में काम कर रही है, जो मेक इन इंडिया इनका जो थीम है उस पर काम करती है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी की मैं बोनस की बात करूँ तो आप देख सकते हो हर साल 2020 में, 2021 में, 2022 में, लास्ट 3 साल में इसने बोनस दिया है, वो चाहे 1:1 हो चाहे 1:2, इसने बोनस हर साल कंसिस्टेंटली दिया है। और पिछले साल तो इसने बोनस भी दिया है और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। आप देख सकते हो कि सितंबर को इसने दिया है बोनस और अक्टूबर में ये स्प्लिट हुआ है,
तो कंपनी बोनस के तहत स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। अब अगर एनालिस्ट की राय बोलेंगे तो ट्रेंड लाइन देखेंगे 100 में से 24% करे कंपनी ट्रेंड। अभी एनालिस्ट बोल रहे हैं अब इसको बियरिश है, इसमें अभी खरीदने से बचे, एनालिस्ट की ये राय ट्रेंड लाइन में। तो दोस्तों 100 में से 24 बोल रहे खरीदना इसको, अभी बियरिश है, शेयर अभी आगे नहीं भागेगा। और वो जो चार्ट वो भी दिखाता है कि अभी 6 महीने में इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आया, जो कहा 30-34 रुपये का जब ये शेयर स्प्लिट हो गया लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर में, और नवंबर में बोनस भी दिया है, तो पिछले अक्टूबर नवंबर में जो हुआ उसके बाद ये शेयर 30 रुपये गया, 30 रुपये से घट के भी हो गया 18 रुपये। तो इसको अपने अपने रडार पर रखें कि मेटल सेक्टर है, जब चाहे कभी भाग सकता है। अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूँ, ये देखिए 5 दिन में आज तो 1% भागा है, परंतु 5 दिन में ये शेयर 17 से 18 रुपये हो गया। और अगर यहाँ पे मैं इसके टारगेट की बात करता हूँ अब, तो मुझे इसका जो टारगेट है, मुझे अभी लगता है कि अभी और डाउन ट्रेंड बाकी इसमें, तो ये जो स्टॉक है ये 17 रुपये में लगभग अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 17 रुपये के नीचे नहीं जा रहा। परंतु मुझे लगता है कि और अगर निफ्टी में सेंसेक्स में और उठापटक होती है और नीचे जाता है, तो उस टाइम ये शेयर कम से कम आपको 15 रुपये के करीब मिलेगा, तो वो बहुत सही टाइम रहेगा आपको एंट्री बनाने का। 15 से 16 रुपये आपको अगर बना सकते हो एंट्री उस टाइम में, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप इस 18 रुपये में भी आप उठाते हो मॉल, तो छोटी छोटी क्वांटिटी उठाइएगा, तो इस शेयर आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और इसका जो नियरेस्ट टारगेट है, जो पहला टारगेट है, अगर अभी 6 महीने में या फिर 8 महीने की बात करें, जो 6 महीने से 1 साल की बात करें, तो मुझे लगता है आने वाले समय 32 रुपये तक जा सकता है। आपने जो 52 वीक खाई है उसको टच करने की कोशिश करेगा, तो पहला टारगेट उसका 32 है, उसके हिसाब से ये आगे प्ले करेगा। और अगर आपको एंट्री पॉइंट मिलता है 15 से 16 रुपये करीब, तो आप इसमें जरूर पोजिशन बनाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेरी तो मुझे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।